हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द मार्शियन। तो बस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पूरी की पूरी टीम मार्स के ऊपर दिखाई देती है और वहाँ वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं सॉइल के ऊपर और उसकी बहुत टेस्टिंग कर रहे होते हैं। फिर अचानक से इनका जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि इमरजेंसी होने वाली है और यहाँ एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन इन लोग को मालूम पड़ता है वैसे ही वो सब स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाना चालू कर देते हैं ताकि वो लोग स्टॉर्म से ना टकराए। मगर उन सब में से एक बंदा ऐसा होता है जो बाहर ही रह जाता है और उस स्टॉर्म के साथ ही वो भी कहीं गुम जाता है। और वहाँ हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे थे और इसी वजह से पहले वो मार्क को कांटेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, बट जब उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता तब वो लोग अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स से निकाल कर वापस अर्थ की तरफ जाना चालू कर देते हैं और उनको लगता है कि अब मार्क नहीं रहा। फिर जैसे ही वो तूफान शांत हो जाता है उसके बाद मार्क का रिस्पॉन्स आता है उन लोग को, बट तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और उन तक रिस्पॉन्स पहुँच भी नहीं पाता, बट ये यहाँ ज़िंदा रहता है। फिर जैसे ही वो उठता है उसे मालूम पड़ता है कि उसके पेट में एक छोटा सा रॉड घुस गया है जिसे वो अपने कैंप के अंदर जाकर ही निकालता है, क्योंकि अगर उसने वो रॉड बाहर ही निकाल लिया तो मार्स पर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मर भी सकता है। इसीलिए वो अंदर जाकर वो रॉड को निकालता है और बाद में वही सोचने लगता है कि अब मैं बाकी टीममेट से कांटेक्ट अपने कैसे करूंगा और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगता है। और इसे ये भी पता था कि अब इसे बचाने के लिए कोई वापस नहीं आने वाला, क्योंकि जो अगला मिशन होगा मार्स का वो सीधा 4 साल बाद है और तब तक तो इसके पास खाने की इनफ सप्लाई भी नहीं होगी और ना ही पीने के लिए पानी होगा। तब वो सोचने लगता है कि यार अब मुझे यहाँ सर्वाइव करना है और मैं सर्वाइव करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। वो अपनी हार बिल्कुल भी नहीं मानता है और वो ये सोचता है कि अब मैं यही आलू उगाऊंगा। उसके पास ऑलरेडी अच्छे खासे थोड़े बहुत आलू रहते हैं जिसकी वजह से वो और आलू उगाना चालू कर देता है। मगर इसके अंदर भी सबसे बड़ी दिक्कत यह होने वाली थी कि मार्स में तो बिल्कुल भी पानी है ही नहीं, तो पौधे और आलू कैसे उगेंगे। मगर भाई मार्क भी कुछ कम नहीं था, उसके पास इतना ज़्यादा दिमाग था और उसको ऑलरेडी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। इसी वजह से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाकर पानी बनाने की पूरी कोशिश करता है, मगर जब वो पहला अटेम्प्ट करता है तब वो बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट जाता है और हर चीज़ तबाह हो जाती है। मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और उसमें और अपना दिमाग लगाता है। फिर जैसे ही वो अगली बार वो एक्सपेरिमेंट को करता है तो इस बार उसका एक्सपेरिमेंट सफल होता है और वो अच्छा खासा पानी बनाने लगता है, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पौधा अब थोड़ा सा उग चुका है और इसकी उम्मीदें भी उसी पौधे के साथ ऊपर आ चुकी है। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी टीम का जो हेड होता है वो ऑलरेडी मार्क को डेड डिक्लेयर कर देते हैं और उसका यहाँ तक कि फ्यूनरल भी मना देते हैं। फिर हमें एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है जो ऐसे ही नॉर्मली मार्स के फोटोज को एनालाइज कर रही होती है जो वहाँ का रोवर खींच रहा होता है, मगर वो उसी चीज के साथ एक और चीज नोटिस करती है कि वहाँ के जो सोलार पैनल्स थे वो पहले कहीं और थे और अब वो कहीं और प्लेस्ड हैं। इसका मतलब कोई तो उन्हें हिला रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि मार्क अभी भी जिंदा है वैसे ही वो उनकी पूरी टीम को कांटेक्ट करके बता देती है कि हाँ अभी भी मार्क जिंदा है। बट जैसे ही उस टीम के हेड को ये बात मालूम पड़ती है तो वो भी शॉक हो जाता है, मगर फिर भी वो उन सबको ऐसी बात बोलता है कि हाँ मान लिया वो जिंदा है, मगर अगर हम उसे बचाने के लिए वापस कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो जब तक वो स्पेसक्राफ्ट पहुंचेगा तब तक उसकी डेथ हो चुकी होगी, जो सुनने में काफी ज्यादा फेयर भी लगता है। और यहीं दूसरी तरफ मार्क भी कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है कि कैसे वो धीरे धीरे यहाँ सर्वाइव कर रहा है और वो बहुत सारी कैलकुलेशंस भी करता है कि जो अगला प्रोजेक्ट यहाँ आने वाला है वो यहाँ से कितनी दूर है। मगर सारी कैलकुलेशंस करने के बाद इसे मालूम पड़ता है कि वो जगह यहाँ से 3000 किलोमीटर के ऊपर दूर है, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। और इसके पास जो व्हीकल होता है वो 35 किलोमीटर ही चल सकता है एक दिन में। फिर हमें अगले सीन में नासा का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे इंटरव्यूअर्स उन्हीं साइंटिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस पे होते हैं और वो लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम उसके लिए खाना पानी यहाँ से भेजने वाले हैं मार्स पे, और वो लोग खाना पानी जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मगर इन्हें क्या पता था यार कि मार्क ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे आलू उगा चुका है जिससे वो इजीली बहुत दिन सर्वाइव कर सकता है। मगर मार्क के मन में भी ये बात तो थी भाई कि कब तक वो आलू खाकर जिंदा रहने वाला है और कभी ना कभी ये भी खत्म हो ही जाएंगे। फिर मार्क के पास जो व्हीकल होती है वो उसी व्हीकल से
दूसरी जगह जाता है जहां मार्स पे एक कैमरा भेजा होता है जो मार्स की फोटोज अर्थ पर भेजता है साइंटिस्टों को। फिर वो कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है और बीच वाले बोर्ड में ऐसा लिखा होता है कि आर यू रिसीविंग मी, लेफ्ट वाले में यस लिखा होता है और राइट वाले पे नो। जिस तरफ उन्होंने कैमरा घुमाया वो उसी को देख के आंसर समझ जाएगा। और जैसे ही ये फोटोज नासा के हेडक्वार्टर्स पहुंचती है वो अपना कैमरा लेफ्ट की तरफ घुमाते हैं, इसका मतलब यस की तरफ, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि एटलीस्ट इन लोगों को ये तो पता है कि मैं जिंदा हूँ। फिर जो नासा के हेडक्वार्टर्स वाले होते हैं वो मार्क को एक चीज बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए खाना पानी भिजवा रहे हैं, जिसे सुनकर मार्क बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये सोचने लगता है कि क्या तुमने मेरी टीम को बताया कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। और जैसे ही वो साइंटिस्ट इस बात को सुनता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं अभी उन्हें बताता हूँ। फिर जैसे ही मार्क के बाकी साथीदार को नासा के हेडक्वार्टर्स वालों का मैसेज मिलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और तुम लोग उसको बिना लिए ही वहां से निकल गए हो, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और सब लोग उसको बचाने की सोच रहे होते हैं। फिर एक हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग सीन दिखाया जाता है जहां जिस साइड में मार्क ने सारे आलू उगाए होते हैं वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो रीजन बहुत अननोन होता है, जिसे देखने के बाद मार्क का पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे इन्हीं आलू में काम चलाना पड़ेगा जितने आलू मेरे पास है। वो दिन में 3 बार खाने के बजाय अब सिर्फ दिन में 2 बार ही खाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नासा के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहां वो वाला रॉकेट तैयार हो रहा होता है जिसके अंदर सारा खाना पानी होता है। और जैसे ही वो रॉकेट लॉन्च होता है पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो रॉकेट हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज होती है। और भाई जैसे ही वो रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है ना सबकी उम्मीदें भी उसी के साथ टूट जाती है। फिर ये लोग मार्क को भी बताते हैं कि हमने जो तुम्हारे लिए रॉकेट भेजा था जिसमें खाना पानी था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, बट वो फिर भी अपनी होप नहीं हार रहा होता। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें नासा के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया होता है जहां नासा का बहुत बड़ा साइंटिस्ट चाइना की हेल्प चाहता है क्योंकि उनका जो रॉकेट होता है वो 20 दिन के बाद जाने वाला है और वो लोग उसमें थोड़ा खाना स्टोर करने के लिए भी चाइना को बोलते हैं, जिसे सुनकर वो उस चीज पर हाँ कह देते हैं। मगर नासा के हेडक्वार्टर में एक ऐसा भी इंसान होता है जो इन लोग को एक ऐसा आइडिया देता है कि अभी जो मार्स से अर्थ वापस आ रहे हैं क्यों ना हम उन्हीं को वापस भेज दे मार्क को लेकर आने के लिए, जिससे पहले तो सुनकर बाकी लोग बहुत ज़्यादा इसे बकवास आइडिया कहते हैं और ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या पता उनके पास इनफ फ्यूल है कि नहीं। वहीं हमें मार्क का सीन दिखाया जाता है जो अपना दिन बहुत ही मुश्किलों से काट रहा होता है, हर दिन मेहनत कर रहा होता है सर्वाइवल के लिए। वही स्पेसक्राफ्ट जो मार्स से अर्थ आ रही होती है वो अचानक से वापस मार्स की तरफ जाना चालू कर देती है। फिर जैसे ही मार्क को पता लगता है कि उनके टीममेट्स जो है वो उसे बचाने के लिए आ रहे हैं तो मार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये वाली न्यूज सुनने के बाद। बट जैसे ही वो लोग मार्स के पास पहुंच जाते हैं उसके जो टीममेट्स होते हैं वो मार्क को ये बोल रहे होते हैं कि हम नीचे लैंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है। फिर मार्क को जुगाड़ लगाता है और उसके पास जो उसका खुद का स्पेसक्राफ्ट होता है वो उसमें ही बैठकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट वो जो मशीन होती है वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होती है तो वो बहुत सारा सामान उस स्पेसक्राफ्ट से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है और अब उसमें थोड़ा कम पावर चाहिए होता है। फिर जैसे ही वो टेक ऑफ करता है मार्स से तब उसके सामने एक और दिक्कत खड़ी हो जाती है कि अब वो रुकेगा कैसे क्योंकि उसके पास तो रुकने के लिए ज़्यादा फ्यूल है ही नहीं। और इन्हीं सब के बीच में मार्क बेहोश भी हो जाता है, जिसकी वजह से सबको और टेंशन होने लगती है कि अब उससे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा तो हम उसे रेस्क्यू कैसे करेंगे। और तो और ये जो मिशन होता है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है पूरे वर्ल्ड में और मार्क को सपोर्ट करने के लिए उसी लाइव को देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्क का सीन दिखाया जाता है जहां वो वापस होश में आ चुका है और वो अपने टीममेट से भी कॉन्टेक्ट कर चुका होता है, जहां उनके टीममेट्स उसे समझा रहे होते हैं कि अब तुम स्लो कैसे होगे। और मार्क उस समय अपना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोता है क्योंकि उसने इस पूरे जर्नी में अपना पेशेंस नहीं खोया और उसको हर चीज का सॉल्यूशन मिल गया। फिर वो अपने टीममेट से बात करने की कोशिश करता है और उनके टीममेट जो बड़े स्पेसक्राफ्ट में होते हैं वो अपने स्पेसक्राफ्ट का एक थोड़ा सा हिस्सा नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसके रॉकेट में थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है और उसकी स्पीड अच्छी खासी कम हो जाती है। और मेन स्पेसशिप में एक फीमेल कमांडर होती है जो मार्क को लेने के लिए स्पेस में उतरने वाली है और उस लीडर ने कैराबिना की मदद से एक रस्सी के दम पे स्पेस में उतरती है और मार्क को बचाने की पूरी कोशिश करती है।
और एक टाइम पे आकर वो रस्सी भी छोटी पड़ जाती है। और जैसे ये बात मार्क को मालूम पड़ती है, वो अपने स्पेस सूट में एक छोटा सा होल करता है, जिसकी वजह से सारा एयर प्रेशर जो स्पेस सूट के अंदर बना है वो बाहर निकलता रहता है, और उसकी वजह से उसे अच्छा खासा हेल्प मिल जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाते रहता है। और जैसे ही वो उस फीमेल कमांडर के पास पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और सच में जिसकी वजह से उसका हाथ उसके लीडर के हाथ से छूट जाता है और वो आगे चला जाता है। बट बाद में वो रस्सी को पकड़ के अपना बैलेंस बना लेता है और वापस वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो अपना पहला कदम स्पेसक्राफ्ट के अंदर रखता है, सब लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, और उसमें जो मार्क होता है वो अब सभी साइंटिस्टों का हेड बन जाता है और सबको सर्वाइव करना सिखाता है और सबको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा होता है कि कैसे उन्हें सर्वाइव करना है। और स्पेस में जिंदा रहने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पेशेंस। और बस इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो बस दोस्तों, यही था द मार्शियन मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मूवी पसंद आई हो और उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को आप प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।